ये देखिए, लड़की जैसे ले जाता है ना, वैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ, पूरा बिना पकड़ के। स्ट्रगलिंग और मेहनत तो करना पड़ता ही है इंसान होने की। ले जाना तो आता है। और फिर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को स्वागत है फिर से और एक नया ब्लॉग। कल जो है अभी बिल्कुल ही 8 बज गए हैं, ब्लॉग बनाना शुरू किया हूँ। और यहाँ पे जो है संगीत तो बाल काटा है, और बाल काटने के बाद वो अभी नहा रही है। लंच करने के लिए कुछ सब्जियाँ नहीं है, बस सब्जी तो है पर वो तो डेली खाते हैं इसलिए और भी खाएंगे। तो फिलहाल जो आप लोग को दिखाते हैं गाइस, तो अभी रोजल लीफ और सपा का पत्ते मिक्स करके खाएंगे आज लंच से ही। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ यहाँ से छोड़ लूँगा मैं। तो यहाँ पे बहुत ही सारे रोजलिप है गाइस, और जितना देख रहे हैं उतना रोजलिप आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो फिलहाल जो है अभी उसको पटाफट तोड़ते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा बीन गाइस, लंबा वाला बीन यहाँ पे है, और इसको खास ऐसा आज नहीं खाएंगे इसको भी। और एक सब्जी है वो लाने के लिए जाऊँगा, वो लाने के लिए क्या ज़रूरत होगा मेरे को, बेम्बू ज़रूरत है, क्योंकि काश पैर के ऊपर है ना बहुत ही ऊंचा है, बस उसको लाने के लिए ऐसा लंबा वाला बेम्बू चाहिए हमको। तो चलिए उसको लाते हैं और आप लोगों के वो छोड़ने के बाद ही दिखाते हैं वो। हमारा जो बिजली का लाइन है बिल्कुल हमारा घर में खा रहे हैं, बिजली भी नहीं आता है गाइस, क्या करें यार। सब तो चेक कर लिया और खाली लाइनमैन को कॉल किया हमारा घर आने के लिए, लाइन को थोड़ा चेक करने के लिए, बस नहीं आया। आज देखेंगे आता है कि नहीं, और तो बिजली वगैरह भी नहीं है हमारा घर में, और देखेंगे आज आते हैं कि नहीं। लगता है मेरा ख्याल से जो ये पुराना वाला वायर है ना, उसको ज़्यादा फ्यूज हो गया लगता है मेरे को, तो इसलिए और फ्यूज हो गया तो और नया वाला वायर लाना ही होगा हमको। तो जस्ट एंड तक बनी रही है गाइस, अब लोगों को आप देते रहूँगा जो भी होता है। तो मेरा बहन पहले से ही आ गया, तो यहीं पे वो सब्जी गाइस अभी इसको तोड़ेंगे, पैर के ऊपर है वो अभी तोड़ेंगे वहाँ। नीचे गिर गया है आरो, ओ यारो कसंदी बे सो जाबुरो बो तो सो दो दो। तो मैंने पैर से गिरा दिया, बाद उसको लाने के लिए जाऊंगा। तो गाइस यही है वो सब्जी, तो कोई नहीं, चटनी तो बनता है गाइस। ये देखिए पूरा लंबा है, और भी एक गिरा था यहाँ पे, कहाँ गया वो, दिखाई दे रहा है गाइस, दिखाई दे रहा है। तो यही है वो, यही है ये, देखिए गाइस अभी मिल गया है मेरे को, दो दो मिल गया, बस यही से हमारा सब्जी बन जाएगा। और तो ऐसे ही दिखता है गाइस लंबा, जो हम लोग का बस हमें होना बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, जस्ट कमेंट करके बताओ भाई क्या बोलते हैं इसको। तो हम लोकल तरीके से होनागोलो, ये होनागोलो बोलते हैं गाइस, उसके अलावा कुछ मालूम नहीं क्या कहते हैं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पका गया, तो यहाँ पे देखिए रोजल लीफ के साथ केसवा का पट्टे गाइस, और ये आग में दे देगा, और आग में देकर ऐसे ही दे देंगे गाइस आग में, और उसके बुझाने के बाद पीस पीस करेंगे, उसके बाद चटनी बनाएंगे गाइस। तो 20 मिनट के बाद आग में देने के बाद कुछ इस तरह हो गया है गाइस, देखिए एकदम काला काला है, और अभी इसको पानी के अंदर दे देंगे गाइस, यहाँ में दे देंगे, और जो काला काला है उसको फेंकेंगे गाइस, और अच्छा वाला बन जाएगा। दे दिया है पानी में, और ऐसे ही सफा करना है गाइस, ये देखिए कुछ इस तरह होता है, सफा करने के बाद कुछ इस तरह होता है। और गाइस
हो रहा जो है पीस पीस करने के बाद, अभी आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। तो पीस पीस करने के बाद कुछ इस तरह हो गया है गाइस, देखिए एकदम पक चुका है। और अभी चटनी भी रेडी हो चुका है यहाँ पे, देखिए सिदोल के साथ। हम जैसे भी हमेशा सिदोल रहता है हमारा पास, सिदोल के बिना खा नहीं सकते। बिल्कुल सीमित की तरह हो गया, सीमित की तरह हो गया ना ये देखिए। और क्या करेंगे आप, खाओगे? तो और मम्मी जो है खेत सफा करने के लिए गया था, और देखिए खेत से क्या लाया है मम्मी, यहाँ पे लाया है दिलेपान, और वहाँ पे है थेरो का फूल, और जो हम लोग बोलते हैं उसको थारा। अभी 10 बज गया दोस्तों, 10 बज गया, हमारा लंच अभी करेगा। और यहाँ पे जो है जो थेरो का फूल से यहाँ पे बैंगन पका जा रहा है एकदम बेम्बू के अंदर। और यहाँ पे जो है हम होना वो लोग चटनी बनाएगा अभी। ऐसे ही मिक्स करेंगे गाइस, उसके बाद ही खाएंगे। सो अभी अपना अपना लंच आ चुका है, और अभी लंच करेंगे। तो यहाँ पे है कल बचा हुआ बेम्बू गरम कर लिया, और यहाँ पे है पेजली फान, और यहाँ पे है रोसेली के साथ कैसे पका पत्ते, तो यह बेम्बू गुस्सा आने वाला सब्जी, और वह है चटनी। तो अभी खाएंगे, चलो खाना खाने के बाद ही मिलते हैं गाइस। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड स्वागत है फिर से और एक नए मॉर्निंग के साथ। और फिलहाल जो है वो ये दूसरा दिन था, और फिलहाल जो है अभी बिल्कुल सुबह हो चुका है। और गाइस एक चीज बता दूँ, आज मेरा पूरा रात को ही 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, और इसी कारण जो है हमें पानी लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि घर पे पूरा जितना भी हमारा भेरेल है यहाँ पे पूरा खाली खाली है, बारिश भी नहीं दे रहे हैं, और हमारा जो पानी सप्लाई है वो भी बंद हो चुका है एकदम, जो पाइपलाइन है एकदम टूट चुका है, इसी कारण जो है हम पानी नहीं मिलते। और ये जो जितना भी बैरल देख रहा है ना, पूरा जो है सब खाली आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा है, और उसके अलावा बिल्कुल ही खाली है गाइस। और इसलिए हम जाना पड़ता है कि वहाँ तक जाना पड़ता है गाइस हमें पानी लेने के लिए। तो फिलहाल जो है ये भी पूरा जो है हमारा पानी का सामान सब खाली खाली है। सो अभी थोड़ा रुक गया बारिश, फिर भी काला बादल है, कभी भी बारिश दे सकता है। और फिलहाल जो है अभी हम जाएंगे नदी में, जहाँ हम पानी पीने के लिए पानी लाता है वहीं पे जाएंगे गाइस। कितना दूर है आप लोगों को दिखाते रहूँगा, बस एंड तक जरूर बने रहिए। हम कितने मेहनत करके कितनी दूर से हम पानी लाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही खराब था, मतलब जगह खराब था, पानी तो एकदम प्योर है गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? तो अच्छा हुआ है कि गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्रिज में जितना मिट्टी था वो सब फेंक दिया है गांव वालों, यहाँ आके पूरा MG एनर्जीज करके यहाँ पे पूरा मिट्टी फेंक दिया है गाइस। बहुत अच्छा हुआ है, मतलब जब मिट्टी था तभी बहुत स्लीपी स्लीपी था। तो ये रहा गाइस, अभी पहुंचने वाला ही है, तो रास्ता खोज इस तरह देखिए। और वहाँ पे जो एक छोटा सा वाटरफॉल बन गया, तो ये जो आप लोग लैंडस्लाइड देख रहे हैं ना, तो ये बारिश के वजह से पूरा जो है 20-25 दिन ऐसा बारिश दिया था, उसी कारण ये हालत हो गया गाइस। देखिए ये जो हमारा, और यहाँ से नहाते हैं, बस पीने वाला जो पानी है वहाँ से लाते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा एक नाला ट्रिप है, वो भी मिट्टी के अंदर से आते हैं, यानी कि पत्थर के अंदर से आते हैं, एकदम प्योर था वो पानी, वहीं से लाएंगे गाइस। होंगे ये पानी खा नहीं सकते बिल्कुल, ये भी पीने के लायक है, पर वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत स्लिप है, क्योंकि जो पत्थर है ना वहीं पे थोड़ा स्लिपी स्लिपी हो गया, और जाने में थोड़ा दिक्कत लगते हैं इसलिए यहाँ पर। और देखिए गाइस हमारा पानी जगह को जिस तरह, और यहीं से हम नहाते हैं, सब गाँव वाले जो है यहाँ नहाने के लिए आता है शाम को। सिर्फ यही है हमारा पानी, जो प्योर पानी यहाँ से मिलते हैं इसलिए यहाँ तक आते हैं लोग। अभी जहाँ तक जहाँ प्योर पानी मिलते हैं वहाँ आपको भी जाना चाहिएगा, इसलिए हम सब गांव वाले यहाँ आके ही नहाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा पानी का ऐसे दिक्कत है, हमारा अच्छा पानी कनेक्शन नहीं है हमारे पास। और अच्छा कनेक्शन तो है, रिसर्वर भी दो है पानी
कनेक्शन भी दो है पर अच्छा नहीं है। तो अभी पानी को हम जगह में फुल करके ही चले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से। हाँ बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल ही फ्यूर है ना यहाँ पे, देखिए गाइस ये देखिए बहुत ही फ्यूर है, लग जाता है, बहुत ही आराम है। मेरे बीबी को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा है और पानी टच होने से बहुत ही मतलब ऐसे ही गिर गिराता है, वाइब्रेट होता है इतना। और गाइस इतना बड़ा बड़ा पानी का जगह ये मैं गन्ने पे और हाथों से लेके नहीं जा सकूँगा क्योंकि मेरे जो है ये टॉयल लाया है और ऐसे रोल करूँगा और सिर पर रखूँगा ये जो टॉयल है और उसके ऊपर ही मेरा जो पानी जगह होगा, तो ऐसे ही ले जाऊँगा लड़की की तरह, लोगों को दिखाऊँगा ठीक है। आज वो पूरा दिखाने वाला हूँ आज ले जाना तो आता है। और फिर से बोलो वही बात क्योंकि कैमरा में नहीं आया है। और कुछ इस तरह करके रोल करते हैं यानी ऐसे ही रहा जो सर्कल ऐसे ही बना है और ये बन गया रोल यानी सर्कल बन गया और इसके ऊपर ये जो है और ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही हमारे पास जैसे ही लड़कियों ने ले जाते हैं वैसे आप लेके जाने वाले हैं ठीक है। तो ऐसे पकड़े देख रहा है ओ, तो अभी देखेंगे गाइस, देखते रहे ना, अभी मैं मट्टे पर रखने वाला ही हूँ ये पानी जगह। तो जैसे भी हो मट्टे पर तो रखना ही पड़ेगा। ओ आ जाओ मेरा पीछे से और अच्छे से पकड़ के रखना। जय हनुमान। तो चलेंगे अभी, स्ट्रगलिंग और मेहनत तो करना पड़ता ही है इंसान होने की। जा रही हो ना? हाँ जा रही हूँ। अच्छे से जाओ नहीं तो गिर जाओगी। आ जाओ। सिर्फ मैं ब्लॉक पर नहीं आऊँगा, मेरा बीबी को भी लाऊंगा गाइस मेरे को। ये देखिए और मीता भाभी जो देख रही है, और मीता भाभी जो बोला था वो एक बात में बहुत ही अच्छा लगा, वाइफ और हस्बैंड फियर ऐसे ही बीच में आने के लिए ऐसे ही मतलब हस्बैंड और वाइफ को हेल्प करना चाहिए, ऐसे ही बिना हाथ पकड़े भी लेके जा सकता हूँ गाइस। देखोगी तो रास्ता बहुत ही ख़राब है, स्लिपी स्लिपी है गाइस। और देखो मम्मी भी आ गया पानी लाने के लिए, देखो हम जा रहे हैं वो अभी जा रहा है, बिल्कुल ही पानी खाली हो गया हमारा घर में, इसी कारण जो है हमारा फैमिली जो है पूरा पानी लाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे नदी पे। गाइस ये देखिए लड़की जैसे ले जाता है ना वैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ पूरा बिना पकड़ के, बस ऐसे ही जा रहा हूँ गाइस, पूरा घर तक ही जा सकता हूँ। ये देखिए गाइस मेरा बेबी भी ऐसे ही बिना पकड़ के ले जा रही है, पूरा बचपन से करके आ रही है, ऐसा ऐसे ही पूरा आदत हो गया है हमारा और ऐसे ही बिना पकड़ के ही ले जाते हैं, मैं भी ऐसी तरह ले जा रहा हूँ भाई। बस घर आया और यहाँ पे रख दिया है हमारा पानी का जगह, तो ये ऐसे ही गाइस ऐसे फूल फूल है हमारा पानी का जगह और वैसे ही हम पूरा ऐसी तरह लाए हैं। और सुबह का लंच के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा गाइस, और इसलिए यहाँ पे है पम्पकिन, बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं और ये कल लाया है बेम्बू शूट, बहुत सारे बचे हुए हैं गाइस। और ऐसे ही होगा हमारा सुबह का लंच और यहाँ पे जो है संगत तो अभी डांस कर रहा है।